नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉपर्स टॉक में। और आज मेरे साथ हैं संग्राग कांजीलाल। इन्होंने गेट 22 में 52 रैंक सिक्योर की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनकी 52 रैंक है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी 2022 के पास आउट हैं जाधवपुर यूनिवर्सिटी से। हालांकि जाधवपुर यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। प्रीवियस ईयर में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफी स्टूडेंट वहां से आते रहे हैं। तो आज इनके साथ डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसे रही, इन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी एक हेल्प मिल सके। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इनसे कुछ सीख सकें। हालांकि सभी की स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है, जो जर्नी होती है, वो आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपको और आपके पूरे परिवार को। बहुत अच्छी रैंक आपने सिक्योर किया है और वो भी फाइनल ईयर में रैंक सिक्योर किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही रहेगा कि कब आपके दिमाग में आया कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। व्हेन यू टुक डिसीजन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर गेट, गेट के लिए किस तरह से जर्नी शुरू हुई? सर, मैं जब सेकंड ईयर में था, मतलब सेकंड ईयर का जो फर्स्ट सेम था, उसमें ही मैंने सुना था कि गेट एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू मतलब हम पीएसयू में जा सकते हैं या फिर आईआईटी में एमटेक कर सकते हैं, ऐसा सुना था। पर ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है। मैं सोचता था कि कॉलेज का जैसे पढ़ाई चल रहा है ऐसे ही करते रहेंगे तो हो जाएगा। फिर मैं मतलब जब सेम धीरे धीरे आगे बढ़ा और सेकेंड सेम में पहुंचा, फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका सेपरेट अलग से प्रिपरेशन किया जाता है। और मेडिजी के बारे में भी मुझे कॉलेज के सीनियर से ही पता चला, क्योंकि मेडिजी में वो बहुत सारे लोग पढ़ते थे, तो उनसे गाइडेंस मिला थोड़ा। उन्होंने कहा कि मतलब 2 ईयर का कोर्स अगर लेते हो तो बहुत टाइम भी मिल जाता है और कॉलेज के साथ मैनेज हो जाता है अच्छे से पढ़ाई। तो इसलिए मतलब वो मैंने एनएसटी दिया था, वो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो मेडिजी का होता है, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था, मतलब सेकेंड सेम के बाद, सेकेंड ईयर में। अच्छा, तो बड़ी अर्ली स्टेज में आपने एडमिशन ले लिया, बहुत सही समय पर डिसीजन ले लिया। जनरली सेकंड ईयर में तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट कम ही जानते हैं गेट के बारे में, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर से डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपने सही समय पर डिसीजन लिया। और ये पॉइंट नोट करने लायक भी है कि इन्होंने सेकंड ईयर में डिसीजन ले लिया, तो देखिए फाइनल ईयर में ही इतनी अच्छी रैंक आ गई। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपको अचीवमेंट भी मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा सिलेबस है और उसको पढ़ने में समय तो लगता है, जैसा कि लगभग 2 साल इन्हें भी लगा। आपने पूरा 2 साल 2 ईयर का कोर्स ले रखा है, 2 ईयर्स की कोर्स। अच्छा, एक ना कंप्लेन रहती है स्टूडेंट्स की कॉलेज के साथ समय नहीं मिलता है, और आपने कॉलेज के साथ इतनी अच्छी रैंक सिक्योर कर ली, कैसे मैनेज किया? क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से कॉलेज के साथ मैनेज करना चाहिए? वास्तव में टाइम नहीं मिलता है या टाइम होता है, मैनेज नहीं कर पाते लोग? सर देखिए, ये तो मतलब प्रिपरेशन कॉलेज के साथ ये टाइम मैनेजमेंट का ही बात है। मतलब अगर आप लेजी हो जाएंगे कि मतलब आपको टाइम बहुत मिलता है, दिन में 24 घंटे है, उसमें आपको मैक्सिमम देना है प्रिपरेशन में, और बाकी सब काम भी आप उसके साथ कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, मैं मतलब क्लासिकल म्यूजिक भी थोड़ा बहुत करता हूँ, मैं तबला भी बजाता हूँ, तो अरे वाह, इसके लिए भी मुझे टाइम मिलता था इसके दौरान। मतलब मेरा शेड्यूल ऐसा था, मैं शुरू से ही मतलब सुबह उठता था, मतलब रात को मैं 11 बजे सो जाता था, फिर सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई चालू कर देता था। तो 5 बजे से मुझे 10 बजे 11 बजे तक बहुत सारा टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, जो कुछ भी करता था मैं कर लेता था। फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया 1 घंटे का, तो उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखता था। और मुझे मतलब एक सुविधा मिला जो नहीं मिलता है सबको, मतलब ये कोविड के टाइम में मुझे पूरा ऑनलाइन हो गया था कॉलेज का सिस्टम, तो इसलिए मतलब जाके क्लास करना इतना नहीं करना पड़ा। पर अगर वो भी होता फिर भी मुझे टाइम मिल जाता, क्योंकि मैं ये सुबह को उठ के बहुत टाइम निकाल लेता था दोपहर तक, फिर मतलब इवनिंग में तो टाइम मिल ही जाता है, क्योंकि सब कॉलेज से वापस आ जाता है, उसके बाद तो हम पढ़ाई कर ही सकते हैं रात तक, मतलब 10-11 बजे तक, 5 बजे से कर ही सकते हैं कॉलेज के बाद। तो मतलब इसमें कोई टाइम मैनेजमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसे। सोर्स ऑफ स्टडी आपने क्या रखा? एक तो इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए होंगे, उसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि क्या सोर्स ऑफ स्टडी रखना चाहिए? सर मेनली मैंने मेडिजी का ही मटेरियल फॉलो किया था, मतलब मेडिजी का वर्कबुक बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। मैंने जब मेडिजी का वर्कबुक सॉल्व किया था तो फर्स्ट टाइम में सब क्वेश्चन नहीं बनते थे, पर फिर मतलब सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए,
मेडिजी के द्वारा, और वो बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी थे, तो उसे देखकर मैंने सीखा, हर एक प्रॉब्लम को सीखा कि कैसे करते हैं। और उसके बाद पीवाईक्यू तो मतलब मस्ट है, मैंने 2-3 बार पीवाईक्यू ही लगाए गेट के। और ये सब करने के बाद बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, टेस्ट सीरीज लेके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे तो हो जाता है, पर मतलब वो मेडिजी का वर्कबुक और गेट पीवाईक्यू ये 2-3 बार तो करना ही चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या कोई स्ट्रेटजी आपकी रही है कि पहले कौन सी सब्जेक्ट करनी चाहिए, पहले इजी सब्जेक्ट करनी चाहिए या पहले डिफिकल्ट करना चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आपने रखा था या नॉर्मल जैसा इंस्टीट्यूट फ्लो में रहता है उसी फ्लो में थे? सर मैंने अलग से सब्जेक्ट का कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाया था, क्योंकि मतलब इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रेटेजी था मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सिग्नल एंड सिस्टम और नेटवर्क से स्टार्ट किया था, ये इजी सब्जेक्ट ही होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं और हो जाता है अगर इंस्टीट्यूट के साथ करते हैं तो। सिग्नल एंड सिस्टम में एक एक्स्ट्रा बुक हमारे सर ने, पुष्पिंदर सर ने सजेस्ट किया था, वो ओपेनहेम का बुक था, बहुत अच्छा बुक है, उसमें से मतलब सिग्नल का इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल सकता है, अगर आप गेट के बाहर भी सीखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखा जा सकता है उससे। तो वो किया था थोड़ा, उसका भी सॉल्यूशन उन्होंने दिया था, तो वो सब किया था और मतलब फ्लो में ही चला इंस्टीट्यूट के साथ, और वो मतलब सीक्वेंस वाइज था, सिग्नल एंड सिस्टम, फिर नेटवर्क, और फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स थे जिनमें बहुत कुछ प्रीरिक्विजिट्स है वो लास्ट में आते गए। कोई फेवरेट सब्जेक्ट जो पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रही हो और क्यों? सर पहले मतलब जब मैं सिर्फ कॉलेज में पढ़ता था, मेडिसिन में नहीं गया था, तो मशीन से मुझे थोड़ा बहुत डर लगता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मतलब इन डेप्थ नॉलेज उसमें रखना भी बहुत मुश्किल बात है, तो इसके लिए मुझे लगता था इसमें मास्टरी करना पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में। पर मतलब जब मैंने मुरली सर से पढ़ा मशीन्स, तो मतलब मुझे दिख गया कि मतलब इसको भी इतना इजी वे से समझाया जा सकता है, मतलब उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था मशीन्स की, मतलब मेरा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसमें, मतलब फिर वही मेरा फेवरेट हो गया, बहुत प्रैक्टिस किया मशीन्स में, वही अच्छा लगने लगा वो। चलिए बहुत अच्छा, वैसे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन हार्ट है, उसके बगैर तो क्या ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बहुत अच्छा, तो अब ये बड़ी प्रिपरेशन है, लंबी प्रिपरेशन है, 1-2 साल का समय लगता है, और इस लंबे टाइम में कई बार उतार चढ़ाव भी आते हैं, कई बार आप मोटिवेटेड फील करते हैं तो कई बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो जब आप लो फील करते थे उस समय किस तरह से अपने आप को दोबारा बाउंस बैक करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे, खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे? सर एक्चुअली मतलब मैंने जब जॉइंट का भी प्रिपरेशन किया था उसमें भी मतलब ऐसा एक फेज गया था, तो उसमें थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस था, और फिर मतलब हमारे घर में थोड़ा एग्जाम का माहौल भी बन गया था, क्योंकि मेरा जो ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, उसने भी रिसेंटली जेई एडवांस्ड दिया था और उसका बहुत अच्छा रैंक आया, मतलब 700 ऐसा कुछ रैंक आया था, वो भी IIT खड़गपुर में अभी है, वो इसी में पढ़ रहा है, तो उससे भी मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब जब मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाता था तो वो मुझे सपोर्ट करता था, वो बोलता था कि ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपका टारगेट फिक्स है, आप करते रहो, बस करते रहो, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप काम करते रहो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप सीखते रहो, तो ऐसे मतलब उससे मोटिवेशन मिला। और बहुत सारे दोस्त थे, मतलब हम एक साथ मेडिसिन में पढ़ते थे, तो वो भी बहुत हेल्प करते थे, स्टडी ग्रुप बन गया था, मतलब वैसे डिस्कस करते थे, डाउट सॉल्व करते थे एक दूसरे का, क्योंकि ऑनलाइन में हमेशा हम टीचर को एक्सेस नहीं कर पाते थे डाउट के लिए, तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके भी बहुत कुछ सीखा, मतलब मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता था शुरू में, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही, क्योंकि वो सब्जेक्टिव टाइप का है थोड़ा, तो इसलिए मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका नाम अंकुश है, अंकुश घोष, वो भी जादवपुर में ही पढ़ता है, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया था पावर इलेक्ट्रॉनिक समझने में, मेरा डाउट वो सॉल्व करता था, और उसका कोई डाउट होता था और कोई सब्जेक्ट में वो मैं कर देता था, तो ऐसे मतलब, और कोई टेस्ट में खराब मार्क्स आ गया तो मैं उसको फोन करके बताता था कि ऐसा हुआ है, वो भी मुझे बताता, तो हम डिस्कस करते रहते थे कि एक दूसरे से कि कैसे किया जाए। मुझे एक दो पॉइंट आपके बड़े अच्छे लगे कि एक तो ना एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होना जरूरी है जो सेम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं कई बार इस चीज को दोहराता हूँ कि एक सपोर्ट ग्रुप का होना जरूरी है जहाँ एक साथ आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें, क्योंकि टीचर हमेशा एक्सेसिबल हो ये पॉसिबल नहीं, बट फ्रेंड्स तो हमेशा एक्सेसिबल है, आप कभी भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी चीज मुझे जो बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि आपने IIT JEE के दौरान प्रिपरेशन किया था और एक अनुभव आपका हो चुका था कि किस तरह से, ये चीज मैं अक्सर कहता रहता हूं कि फेलियर को आप डेस्टिनेशन ना बनाएं, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी,
और क्यों फेल हुए हैं उन कारणों का आप एनालिसिस करें और आगे आप उस अनुभव को यूज करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जाकर के सफलता मिलेगी। और हमारे साथ सांगर इस बात के एग्जांपल हैं, इन्होंने मतलब आईआईटी जेई में जो लर्न किया, उस फेलियर से जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया और आज एक बहुत अच्छी रैंक लेकर के आए हैं। आगे इस रैंक का किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे, क्या करने का इरादा है, क्योंकि आप तो फ्रेशर हैं और आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल, गवर्नमेंट जॉब में भी जाने का ऑप्शन है और हायर स्टडीज के लिए भी ऑप्शन है, तो आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह? पहले तो मैं इंडस्ट्री में ही जाना चाहूंगा, मतलब इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस थोड़ा लेना चाहूंगा। तो मेरा टारगेट है कि पावर सेक्टर में ही किसी पीएसयू में जाने का। उसके बाद मतलब 2 साल के बाद मैं सोचूंगा कि मैं एमटेक करूंगा या नहीं, पर एक टारगेट है कि बाद में एमटेक करना चाहिए। अच्छा, चलिए, इस तरह से भी आप करियर प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर बहुत अच्छी रैंक आ गई और आपको अभी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है तो आप किसी पब्लिक सेक्टर में अपना करियर स्टार्ट करके और लेटर ऑन कर सकते हैं, ये आप इनसे सीख सकते हैं। आप कमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आगे प्रिपरेशन करने वाले आपके जूनियर्स ऑल ओवर द इंडिया जो गेट की प्रिपरेशन करेंगे, उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, अपनी इस पूरी जर्नी से क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान? मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मतलब जहां से भी वो फॉलो कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट को भी फॉलो कर रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, वो मतलब पूरी शिद्दत से करना चाहिए, उसमें मन लगाना चाहिए और मतलब एक भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल आ गया और हम निकल पड़े एंजॉय करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस अगर है तो जितना भी आपको दर्द हो आपको लगे रहना है। मतलब ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो मेरे दोस्त भी निकल पड़ते थे और वो कहते थे आ जाओ तुम, पर मैंने मतलब मैं नहीं जाता था, एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा। मैं उनको बोलता था कि अभी मेरा टाइम है पढ़ने का, मुझे पढ़ना है, इसके बाद गेट हो जाए फिर तुम बताओ कहाँ जाना है, मैं पहुंच जाऊंगा, पर मुझे अभी पढ़ने दो, अभी करना ही है मुझे ये। तो मैं मतलब वो सब सैक्रिफाइस किया था मैंने ये करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ सैक्रिफाइस तो जरूर करना चाहिए उसके लिए। तो वही मतलब कंसिस्टेंसी अगर हो, धीरे धीरे बिल्डअप हो जाता है स्किल एंड तक। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एक ना एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि जो टॉप करता है उसका फोकस बहुत होता है, वो लेजर लाइक फोकस होता है कि एक ही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करता रहता है, और जिसका फोकस मिसिंग हो जाता है, प्रायोरिटीज फिक्स नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट पर भी रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या रही हैं, कैसे आप मतलब जो नॉर्मल टाइम आपका होता था उसको कैसे पास आउट करते थे, क्या हॉबीज रही हैं? सर, क्लासिकल म्यूजिक तो मेरा हॉबी है ही, शुरू से तो मैं तबला बजाता था, वो तो रियाज का मतलब एक बात है, तो इसलिए मैं हर रोज मतलब 1-2 घंटा निकाल लेता था उसके लिए, वो करता था मतलब पढ़ाई के अलावा और जो टाइम मिलता था। और उसके अलावा मतलब कभी कभी कभार बहुत कम इसके अलावा समय निकालना मुश्किल था, मतलब 2 घंटे के बाद और वो फ्री टाइम निकालना मुश्किल हो जाता था। कभी कभी सोशल मीडिया करता था और दोस्तों के साथ बातचीत करता था। हाँ, सोशल मीडिया का अच्छा याद दिलाया आपने, सोशल मीडिया का किस तरह से यूटिलाइजेशन था, कितना समय, अगर मैं पूछूं कि आप एवरेज बता सकते हैं एक वीक में या एक दिन में कितना टाइम आप सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट करते थे? सर देखिए, मतलब इसका मैं मतलब ऐसे काउंट नहीं किया मैंने, पर मेरा मतलब ऐसा ही, मैंने मेरे ब्रदर से भी थोड़ा सीखा ये कि जब मैं पढ़ता था तो मैं फोन अपने से दूर रखता था, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कोई नोटिफिकेशन आ गया, हमारा मन उधर चला जाता है कि नोटिफिकेशन देख लेते क्या मैसेज आ गया, तो इसके लिए मैं थोड़ा दूर रखता था जब मैं पढ़ाई करता था। फिर 3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद मैं जाके थोड़ा देख लेता था कि क्या मैसेज आ गया, किसने क्या बोला, ये थोड़ा देख के फिर रख के फिर पढ़ाई करता था, ऐसा करता था सोशल मीडिया के लिए। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया कोई खराब चीज नहीं है अगर आप उसको कंट्रोल में रख सके, अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करें। मतलब रात में जब समय मिलता है आप दोस्तों के साथ बात कीजिए, आप उसमें भी अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ डिस्कस कीजिए। मतलब आप जब डिमोटिवेशन का बात कर रहे थे उसमें मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प किया था। मतलब मेरा एक क्लोज फ्रेंड सर्कल है जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, प्रतीक मिश्रा, शायन बनर्जी एंड मोहम्मद कैफ, और इसके अलावा हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि वो मतलब थोड़ा ये इलेक्ट्रिसिटी से ही नाम आया,
इलेक्ट्रोफाइल्स, तो उस ग्रुप में भी जितने बंदे थे मतलब ये सब मुझे सपोर्ट करते थे बहुत। मतलब ये मतलब मैं अगर बोलूं कि मैं तुम्हारे साथ कल नहीं जा पाऊंगा तो वो रूट नहीं जाते थे, वो समझते थे कि हाँ ये प्रिपरेशन कर रहा है, इसको पढ़ने दो, गेट के बाद हम इसके साथ निकलेंगे फिर। तो ऐसे मतलब इन्होंने सपोर्ट भी किया, और जब भी डिमोटिवेट होता था ये बोलते थे कि तुम कर सकते हो, ऐसा बोलते थे। तो इनसे भी बहुत सीखने को मिला, मतलब मोटिवेशन मिला मुझे जर्नी के थ्रू आउट। So, ये रही सांगरग कांजीलाल की जर्नी, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया का इन्होंने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया। इनका कहना है कि मतलब सोशल मीडिया आप अवॉइड ना करें बल्कि उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, उसको कंट्रोल्ड वे में यूज करें, और किस तरह से कॉलेज के साथ इन्होंने स्टडीज को मैनेज किया वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि समय कम होता, आप देखिए फाइनल ईयर में इनकी रैंक 52 आई हुई है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समय रहते इन्होंने डिसीजन लिया, सेकेंड ईयर में डिसीजन ले लेना ये भी अपने आप में बड़ी बात है, और 2 ईयर का कोर्स इन्होंने किया कि मतलब पूरा 2 साल का प्लानिंग लेकर के चले। तो अगर आप इतना वेल प्लान्ड होकर के चलें तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। इन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आईआईटी जेई के थे उन एक्सपीरियंसेस का भी यूटिलाइजेशन किया कि किस तरह से जो फेलियर है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो इनकी इस जर्नी से कुछ ना कुछ आप इंस्पिरेशन जरूर लीजिए, और हम लोगों की तरफ से बेटा आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप बहुत ऊंचाइयों को छुएं और भी बहुत कुछ अचीव करें। चलते चलते आप एस्पिरेंट्स के लिए एक दो लाइनों में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना संदेश दीजिए, और आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई इस बड़े अचीवमेंट के लिए, इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए। थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब अगर आप एक जर्नी में हो उसमें फेलियर्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर उसमें डिमोटिवेट होकर बैठ नहीं जाना है। आप गिरेंगे फिर उठेंगे, पर आप में वो मतलब दम होना चाहिए और आप में वो फोकस होना चाहिए कि मुझे एकदम ऊपर तक पहुंचना है, उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। बस यही कहना है, और कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ाई कीजिए, गेट का प्रिपरेशन करना है तो अच्छे से मतलब लगे रहिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू बेटा हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए टॉपर्स टॉक में। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इन टॉपर्स से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को रखिए, हम लोग आने वाले टॉपर्स से उन क्वेश्चन को पूछेंगे ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके, और आप इनके एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपने प्रिपरेशन में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एक प्लानिंग बना सकते हैं कि किस तरह से आप भी एक अच्छी रैंक लेकर के आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू बेटा फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग टू अस। Thanks a lot.